जब भी कोई खबर सामने आती है तो जरूरी हो जाता है कि उसकी तह तक पहुंचा जाए, उसके ग्राउंड तक पहुंचा जाए, उस खबर की सच्चाई क्या है उसे जाना जाए और इस खबर में किस तरीके की चीजें निकलकर सामने आती हैं उसे समझा जाए, क्योंकि इससे देश की जनता का भला होता है। देश को अगर सच्चाई पता चलती है तो कई फैसले जो कि देश की जनता करती है, हमारा संविधान भी कहता है जनता के लिए और जनता को समर्पित है, तो ऐसे में जनता का ही काम आसान होता है। और इसका एक हिस्सा है जो कि है प्रेस, यानी कि मीडिया, जिसका काम हम कर रहे हैं। और इसीलिए आज से हम एक नए कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, खबर की तह तक। और मैं पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर के पास आना चाहूंगी। अनिल मोर, ओवर टू यू। खबर की तह तक, खबर की तह तक यानी कोई भी खबर होगी हम उस खबर की तह तक जाएंगे। हरियाणा की है खबर या दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जो तमाम राज्य हैं, कहीं की भी कोई खबर होगी, चाहे सत्ता से जुड़ी, चाहे अफसरशाही से जुड़ी, आम जनता से जुड़ी, हर खबर की तह तक हम जाएंगे। खबर की तह तक जाकर बताएंगे कि आखिरकार उस खबर की क्या सच्चाई है। सरकारों की तरफ से जो फैसले लिए जाते हैं वो फैसले जनता का कितना भला करते हैं, उन फैसलों की तह तक जाएंगे। अफसरशाही किस तरीके से काम है, लोगों को लेकर किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, हर खबर की तह तक हम जाने का काम करेंगे। दिल्ली की कोई भी खबर हो, दिल्ली के विजय चौक से लेकर हिमाचल की कोई खबर हो, शिमला की कोई खबर हो, उत्तराखंड देहरादून की खबर हो, या हरियाणा के किसी शहर की खबर हो, पहाड़ से लेकर मैदान तक, खबर की तह तक जाने का हम काम करेंगे। हमारी जो तमाम टीमें हैं, जो हमारे जितने भी वरिष्ठ सहयोगी हैं वो हमसे जुड़ेंगे, उत्तराखंड की जितनी भी खास खबरें रहेंगी, आम आवाम से जुड़ी जितनी भी खबर रहेगी, हमारे जो सहयोगी है उत्तराखंड से राव अशफाक, वो हमसे जुड़ेंगे, हर खबर की तह तक वो हमें बताएंगे। शिमला की, हिमाचल प्रदेश की जो भी खबर होगी, पहाड़ों में इन दिनों जो बारिश की वजह से हाल बेहाल हो रखा है, सरकार की तरफ से किस तरीके से काम किया जा रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू किस तरीके से प्रदेश सरकार ने किया, किस तरीके से राहत हिमाचल प्रदेश सरकार दे रही है, हिमाचल जो तमाम बातें हैं, हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जो ब्यूरो हैं, हमारे वरिष्ठ साथी है प्रदीप, वो हमसे हर बात खबर की तह तक में करेंगे। वहीं अगर हरियाणा से जुड़ी जितनी भी खबरें हैं, हरियाणा में किस तरीके का दिन भर घटनाक्रम रहने वाला है, सरकार विपक्षी दल किस तरीके से कार्यक्रम करेंगे, विपक्ष के जो तमाम मुद्दे हैं वो किस तरीके से रहने वाले हैं, आने वाले दिनों में हरियाणा का विधानसभा मानसून सत्र शुरू होने वाला है, वो सारी की सारी बातें जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं जितेंद्र चौधरी, वो हमें बताएंगे कि क्या हरियाणा में किस तरीके से माहौल घटनाक्रम रहने वाला है, दिन भर किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां रहेगी, पंजाब में, चंडीगढ़ में किस तरीके की राजनीतिक सरगर्मियां रहेगी, वो हमसे हरसिमरत कौर हमारी सहयोगी है, वो हमसे शेयर करेगी। बिल्कुल अनिल, तो कहीं ना कहीं संक्षेप में ये जो खबर की तह तक हमारा नया कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, इसके बारे में आपने दर्शकों को बता दिया है। उत्तर भारत के किसान आज चंडीगढ़ का घेराव करेंगे, हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों से किसान यहाँ पर जुटेंगे, हजारों की संख्या में हरियाणा और पंजाब से पहुंच रहे हैं किसान, करीब 20,000 किसान चंडीगढ़ पहुंचेंगे। हरियाणा पुलिस ने कई किसानों को हिरासत में लिया, किसानों को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। चंडीगढ़ में अकेले अगर बात करें तो 5,500 पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग है इन किसानों की। बिल्कुल, और स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर से यह अनुरोध करूंगी कि आप इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी अनिल, देखिए जो लगातार पिछले दिनों बारिश हुई है, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करें, बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश में हुआ है, हरियाणा पंजाब में भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, ज़्यादातर नुकसान अगर हरियाणा और पंजाब की बात करें, किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, लाखों एकड़ जो ज़मीन है बारिश की वजह से बर्बाद हुई है, किसानों की फसल बर्बाद हो गई, इसी को लेकर जो बाढ़ की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है, मुआवजे की मांग को लेकर, कई और मुद्दों को लेकर आज चंडीगढ़ में बड़े स्तर पर हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों के किसान प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किस तरीके से किसानों की तैयारी है, कितने बड़े स्तर पर किसानों का प्रदर्शन रहने वाला है, प्रशासन की, पुलिस की किस तरीके की तैयारी है, क्योंकि जो चंडीगढ़ प्रशासन है, जो चंडीगढ़ पुलिस है, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया कि किसी भी सूरत में किसानों को चंडीगढ़ की सीमा में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो किसान कितना बड़ा प्रदर्शन आज करने वाले हैं, कितनी किसानों की तैयारी है, इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी है, स्टेट हेड है हरियाणा के जितेंद्र चौधरी, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? जी
देखिए बिल्कुल, पंचकुला चंडीगढ़ के बॉर्डर पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर पुलिस बल पूरे तरीके से तैनात यहां पर मौजूद है। और ख़ासतौर से जो किसानों को लेकर के, किसानों का जो आह्वान आज किया गया है, बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई को लेकर के जो किसान है आज चंडीगढ़ की तरफ जो है कूच करने जा रहे थे, लेकिन पहले ही, इससे पहले ही एहतियातन तौर पर पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर जो किसान नेता हैं उनको कहीं ना कहीं हिरासत में लिया गया है, नज़रबंद भी किया गया है, इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट है, चाहे वो पंचकुला चंडीगढ़ का बॉर्डर हो या फिर पंजाब से लगते चंडीगढ़ के जो बॉर्डर हैं उनकी अगर हम बात करें, वहाँ पर इसी तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। और इसी की वजह से फिलहाल तस्वीरों में हमारे तमाम दर्शक ये देख सकते हैं खबरें अभी तक के माध्यम से, कि जो जाम की स्थिति है, जो स्लो ट्रैफिक है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और जो है एक निगरानी के साथ जो पुलिसकर्मी है उनकी निगरानी के बाद ये तमाम गाड़ियाँ जो हैं यहाँ से निकल रही है। कोई भी इस प्रकार की अगर कोई गाड़ी है जिसके अंदर जो है अधिक व्यक्ति जो है दिखाई दे रहे हैं या फिर किसानों के कोई झंडे दिखाई देंगे, तो उसको रोकने को लेकर के भी यहाँ पर पूरे तरीके से पुलिस अलर्ट है, उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ये तमाम कामकाजी लोग हैं जो चंडीगढ़ के अंदर पंचकुला से आमतौर पर जो ट्रैवल करते हैं, लेकिन उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की ये मांग है कि बाढ़ की वजह से जो पीड़ित जो किसान हैं उनकी एक और जो है भरपाई की जाए, और दूसरी तरफ दूसरी मांगों को लेकर के भी, इससे पहले भी जो किसानों के प्रदर्शन रहे हैं उन्हें भी अब इन मांगों के अंदर शामिल कर लिया गया है। जसविंदर लोंगोवाल जो है वो प्रमुख तौर से इस आंदोलन को आगे लेकर के बढ़ रहे थे, लेकिन जानकारी मिल रही है कि उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है या नज़रबंद कर दिया गया है, इस तरीके की कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। दो दर्जन के आसपास किसान नेता जो हैं उन्हें हरियाणा से अगर हम बात करें नज़रबंद किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के अंदर भी इस तरीके की जानकारी है कि करीब 100 किसान नेता जो हैं उन्हें नज़रबंद या फिर हिरासत में लेने का काम किया गया है, ताकि आज जो प्रदर्शन है, जो सेक्टर 17 का जो ग्राउंड है जहां पर ये तमाम किसान एकत्र होना चाह रहे थे, और एक बड़ी संख्या में अगर किसान जो जब अपना प्रदर्शन करते हैं तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के जब किसान पहुंचते हैं, तो ऐसी स्थिति में चंडीगढ़ की स्थिति जो है ट्रैफिक व्यवस्था की, वो पूरे तरीके से चरमरा जाती है। और इसीलिए इस प्रकार की जो व्यवस्था है वो पुलिस की तरफ से की गई है। करीब 5500 पुलिसकर्मी जो हैं वो तैनात किए गए हैं बॉर्डर्स पर, और ख़ासतौर से उन्हें तैनात करने का मकसद यही है कि इस प्रकार से जो किसानों का जो आज कूच है, उस कूच को यहाँ पर रोका जाए, किसी भी प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर दाखिल उन्हें ना होने दिया जाए। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएंगे, ट्रैफिक की तस्वीरें तो हमने दिखाई, लेकिन ये जो दूसरी तरफ जो तमाम जो बसेस आप देख रहे हैं इस वक्त जो तमाम दर्शक, ये इसीलिए है कि अगर प्रदर्शनकारियों की बड़ी भीड़ यहाँ पर देखने के लिए मिलती है तो उन्हें तुरंत यहाँ पर डिटेन करने का काम जो है वो पुलिस की तरफ से किया जाए। वहीं दूसरी तरफ पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर के नीचे ही अगर हम देखते हैं तो वाटर कैनन को लेकर के भी जो तैयारी है वो यहाँ पर की गई है। और इसी तरीके से अगर प्रदर्शनकारी कोई आगे बढ़ते हैं, कोई कॉल सामने आती है, क्योंकि अभी फिलहाल एहतियातन ये तमाम तैयारी है, हल्की हल्की बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर की गई है, बॉर्डर पूरे तरीके से सील नहीं है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि हाईकोर्ट में भी इससे पहले ये मामला जो है पहुँचा था, जब सरपंच ई टेंडरिंग को लेकर के इसी हाउसिंग बोर्ड पर प्रदर्शन कर रहे थे और पक्का मोर्चा उनकी तरफ से लगाया गया था इस बात को लेकर के कि अगर जो किसान, जो सरकार अगर बात जब तक नहीं मानती है तो वो यहीं पक्का मोर्चा लगाएंगे, टेंट लगा दिए गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन टेंट को उखाड़ा गया था, और अभी भी पुलिस को ये हिदायत जो है दी गई है कि इस प्रकार से आम जन जो है वो परेशान ना हो, और पुलिस का भी इसी व्यवस्था के माध्यम से प्रयास है कि आम लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि किसान की इस कॉल की वजह से फिलहाल इस वक्त अगर हम बात करें, क्योंकि ये ऑफिस जाने का वक्त है लोगों के, तो ऐसी स्थिति में खबर भी टेस्ट करनी, जाम से दो चार होना जरूर पड़ रहा है लोगों को, जो कि जो भी एडजर्निंग बॉर्डर है चंडीगढ़ से लगते हुए। जी अब बिल्कुल जितेंद्र, देखिए तमाम जानकारी आपने दी है, और चलिए क्योंकि हमने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पर माहौल जो बना हुआ है, किसान अपनी मांग को लेकर पहुँच रहे हैं, इससे पहले भी स्थिति देखी है, कोर्ट की ओर से कहा भी गया है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी यात्रियों को दिक्कत ना हो, तो इस लिहाज से आज ये पूरा दिन बेहद खास रहने वाला है। और अनिल, आपको ये भी मैं बता दूँ, तमाम दर्शक जो हमारे देख रहे हैं उन्हें ये बता देती हूँ कि इस समय हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी मौजूद हैं,
उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ हमारे राव शफात अली भी हमारे साथ मौजूद है। इसके अलावा हरसिमरत भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों के पास भी हम आएंगे मैदान के बाद। अब बात कर लेते हैं पहाड़ की, जहाँ पर हिमाचल में बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। जी हाँ, हिमाचल में 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान का आंकड़ा है इस समय, जो कि सीएम सुक्खू कह रहे हैं खुद। शिमला में आज हिमाचल कैबिनेट की अहम बैठक, इसके मुताबिक राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे होगी ये बैठक। सीएम सुक्खू बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर चर्चा होगी। मानसून सत्र की तारीखों को लेकर फैसला भी किया जा सकता है। जी अनिल, तो शिमला से ब्यूरो प्रदीप ठाकुर भी हमारे साथ इसी खबर पर बने हुए हैं। प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होनी है, हिमाचल कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से जो बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है, जो हिमाचल सरकार है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की तरफ से बड़े स्तर पर कहा जा रहा है कि जो नुकसान हुआ है, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद की जा रही है, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उस मदद से उतनी खुश नहीं। आज कैबिनेट बैठक में क्या कुछ होगा, क्या कुछ एजेंडे रहने वाले हैं, बात करने के लिए हिमाचल प्रदेश से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप ठाकुर जुड़े हुए। प्रदीप, आज जो कैबिनेट की बैठक होनी है, सबसे पहले आप ये बताइए कि कैबिनेट बैठक में आज कौन कौन से महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होनी है? जस्ट विभाग की तरफ से प्रेजेंटेशन दी जानी है और इसके साथ साथ जो बाकी विभाग हैं वो भी अपनी प्रेजेंटेशन यहां पर देंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन बड़ा है, क्योंकि उम्मीद हिमाचल के लोगों को है कि रिलीफ के तौर पर, राहत के तौर पर उन्हें क्या मिलता है, क्योंकि रिलीफ मैनुअल जो प्रदेश ने पूर्व में रिवाइज किया था वो केवल 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक के लिए था। अब प्रदेश को उम्मीद है कि ये रिलीफ मैनुअल आगे एक्सटेंड किया जाएगा, यानी नुकसान उसके बाद भी हुआ है और ज्यादा नुकसान की अगर बात करें तो 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक बहुत ज्यादा प्रदेश में नुकसान हुआ है, जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है। तो ऐसे में आज उम्मीद है कि रिलीफ मैनुअल को लेकर कोई चर्चा होगी। इसके साथ साथ प्रदेश अब बात कर रहा है अपने लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, अपने साथ साथ मशीनरी क्या हमारे पास होनी चाहिए, इसको लेकर भी अब प्रदेश जो है चर्चा कर रहा है, सोच रहा है। तो इसको लेकर भी आज कैबिनेट में इस तरह के एजेंडे आ जाने हैं, लेकिन ओवरऑल प्रेजेंटेशन होनी है और उसमें मंत्री भी अपने अपने क्षेत्रों की बात करेंगे, अपने विभागों की बात करेंगे। और प्रदेश में नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है अगर हम इस प्राकृतिक आपदा की बात करें, और दो स्पेल जो है हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा नुकसान वाले रहे हैं, 7 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक का, और उसके ठीक एक महीने बाद 11 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक का। ये दो ऐसे समय जो है हिमाचल में रहा है जब जानी नुकसान भी बहुत ज्यादा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान हुआ है, और पहला जब नुकसान हुआ था 7 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में, वो सारा का सारा नुकसान कुल्लू मंडी की तरफ हुआ था और भारी नुकसान सड़कों का नुकसान जो हुआ, केंद्र की तरफ से हिमाचल को मदद, केंद्र की तरफ से जो हिमाचल को मदद मिलनी चाहिए थी, कुल कितनी मदद अब तक मिली है? मुख्यमंत्री क्यों थोड़ा केंद्र सरकार से नाराज है? मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे लगातार, पिछले कई दौरे दिल्ली के कर चुके हैं मुख्यमंत्री साहब, और कह रहे हैं कि बार बार जो दिल्ली को जो मदद करनी चाहिए हिमाचल प्रदेश की, उतनी मदद दिल्ली नहीं कर रही, केंद्र सरकार नहीं कर रही। बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की तरफ से 10 अगस्त तक का जो नुकसान का मेमोरेंडम भेजा गया है केंद्र सरकार को, वो 6700 करोड़ का है, यानी 6700 करोड़ रुपए का नुकसान भेजा गया है। और हिमाचल प्रदेश अंतरिम राहत के तौर पर 2000 करोड़ रुपए की मांग कर रहा था, लेकिन अभी तक जो केंद्र से मदद मिली है वो जो पहली किस्त आई थी वो भी 180 करोड़ की थी, दूसरी किस्त भी 180 करोड़ की थी, और उसके बाद अभी जब जेपी नड्डा 2 दिन पहले शिमला आए तो 200 करोड़ रुपए उन्होंने उनके दौरे के दौरान ही अनाउंस कर दिए थे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, लेकिन उससे पहले एक और 190 करोड़ रुपए की किस्त आई है, वो जो किस्त थी वो 315 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश ने जो नुकसान का मेमोरेंडम केंद्र को पिछले साल यानी 2 साल पहले भेजा था उसमें कुछ ऑडिट ऑब्जेक्शन लगे थे और इस वजह से वो पैसा रिलीज नहीं हो पाया था, तो उसको ऑब्जेक्शन को अब जो है रिलीज किया गया है, उसमें 315 करोड़ में से 190 करोड़ के करीब पैसा बिल्कुल रिलीज किया गया है। लेकिन जो पूर्व में जो जा रहे हैं इसको लेकर, एक तरफ जहां पर बीजेपी के जो नेता है वो ये कहते हैं कि कोई आधिकारिक आंकड़ा जो है सुक्खू सरकार वो जारी नहीं करती है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो मदद देती है
काहे बकाहे कुछ नेता कह देते हैं कि केंद्र सरकार ने तो बिल्कुल ही मदद नहीं की है। तो इसको लेकर एक अलग तरीके का वार पलटवार का सिलसिला हिमाचल प्रदेश में जारी है। अब हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, साथ ही उत्तराखंड को भी देवभूमि कहा जाता है। तो चलिए उत्तराखंड की अब बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट का दिसंबर में आयोजन होगा, इसका बेसब्री से इंतजार था उत्तराखंड वासियों को और उससे भी ज्यादा उत्तराखंड सरकार को। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर राज्य सरकार पहले से ही काफी गंभीर है, अब और भी ज्यादा गंभीर हो चुकी है। तैयारियों को लेकर राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट दिल्ली दौरे के दौरान जहां सीएम ने समिट को लेकर चर्चा की थी, इन्वेस्टर्स समिट को लेकर उद्योगपतियों से सीएम ने चर्चा की थी। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। अब देखिए, इसे बहुत भव्य बनाने की कोशिश उत्तराखंड सरकार कहीं ना कहीं कर रही है, इसे एक मौके की तरह देख रही है, लेकिन विपक्ष इस पर अलग तरीके से आरोप भी लगा रहा है। अनिल, उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड सरकार एक बड़े इन्वेस्टर समिट की तैयारी कर रही है। जो जानकारी है कि दिसंबर के महीने में उत्तराखंड सरकार की तरफ से इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। हमारे उत्तराखंड के जो वरिष्ठ सहयोगी है राव असपाक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव साहब, जो इन्वेस्टर समिट होनी है, सीएम धामी साहब लगातार इस इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में लगे हुए हैं, किस तरीके की तैयारियाँ जो है उत्तराखंड सरकार कर रही है, जो टेंटेटिव शेड्यूल रहने वाला है कि दिसंबर में इन्वेस्टर समिट होगी, किस तरीके का शेड्यूल रहने वाला है? देखिए अनिल, ये जो इन्वेस्टर समिट है इसको लेकर के राज्य सरकार लंबे समय से तैयारी कर रही है, और इसको कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए ये इन्वेस्टर समिट जो प्रस्तावित है दिसंबर माह में, मील का पत्थर साबित हो सकती है यहाँ की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिन दिल्ली रहे हैं, और कल की अगर बात करें तो कल ही कम से कम 100 ऐसे इन्वेस्टर थे, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वार्ता की है। दिसंबर माह में ये जो इन्वेस्टर्स समिट है इसको ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहा जाएगा, क्योंकि इसमें देश और विदेश दोनों जगह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो उत्तराखंड का रुख करेंगे। इसी को लेकर के कवायद चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कम से कम 100 ऐसे लोग हैं जिनके साथ वार्ता की है, और उनको बताया है कि उत्तराखंड इंडस्ट्री के लिए, उद्योग के लिए कितना मुफीद है। क्योंकि उत्तराखंड का देखिए एक लक्ष्य है धामी सरकार का कि 2025 तक उत्तराखंड राज्य को अग्रणी राज्यों में शामिल करना है, लेकिन अगर तह तक जाएं कि आखिर ये होगा कैसे, सबसे पहले जरूरत पड़ती है देखिए राजस्व की। उत्तराखंड एक खूबसूरत राज्य है लेकिन यहाँ का राजस्व कम है, 67% तो यहाँ जंगल है, उसके बाद जो भूभाग बचता है उसमें रोजगार की संभावनाएं बहुत कम होती है। यहाँ जो भी सरकार रही है वो रोजगार देने में कामयाब नहीं रही है, लेकिन धामी सरकार जिस प्रारूप से, जिस खाके से आगे बढ़ रही है, उससे उम्मीद है कि 2025 तक उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। अब क्योंकि अगर उद्योग लग जाएंगे सबसे बड़ी बात है, देखिए राव साहब, ये जो इन्वेस्टर समिट होनी है, जितनी इन्वेस्टमेंट स्टेट में आएगी, उत्तराखंड में आएगी, उतना कहीं ना कहीं रोजगार नया लगेगा, उतनी इंडस्ट्री लगेगी, जितनी इंडस्ट्री आएगी उतना रोजगार मिलेगा, तो कहीं ना कहीं रोजगार के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दिसंबर की जो टाइमिंग आपने कहा कि मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि देखिए मई में अगले साल लोकसभा चुनाव होने, उससे पहले अगर एक कामयाब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होती है उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फायदा उत्तराखंड के लोगों को भी होगा, रोजगार के लिहाज से भी, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी। हाँ अनिल, बिल्कुल ठीक कहा आपने, बहुत बड़ा फायदा होगा। उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो दंश है वो पलायन का दंश है। देखिए अनिल, यहाँ से पलायन बहुत होता है, दूसरे राज्यों में यहाँ से रोजगार करने के लिए जो नौजवान है पढ़ लिख करके बाहर जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ उद्योग लगते हैं, वो छोटे उद्योग या बड़े उद्योग हो, तो रोजगार यही मिल सकता है। और उससे पहले राज्य सरकार ने कोशिश की है कि जो कनेक्टिविटी है, रोड की कनेक्टिविटी है, वो बेहतर हो। यहाँ ऑल वेदर रोड बन चुका है, रोड की कनेक्टिविटी बेहतर हो चुकी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रेलवे लाइन का काम चल रहा है। कोई उम्मीद नहीं कर सकता था, अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर कभी रेल जाएगी, लेकिन आज उस पर काम चल रहा है, रेल की पटरियां बिछ रही हैं, बहुत जल्द ये काम भी पूरा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि उद्योगपति अगर उत्तराखंड में आते हैं तो उनको सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पर मिल रहा है, UIIDP इसका निर्माण हुआ है, यानी कि उत्तराखंड इन्वेस्टर्स इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड बोर्ड इसको बनाया गया है। इसके साथ ही एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर यहाँ पर काम करेंगे, जो उद्योग यहाँ पर लगाना चाहते हैं उनको सिंगल विंडो सिस्टम जो है वो
ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, यानी कि कहीं उनको जाने की ऐसी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही जगह जाकर के अपनी एनओसी ले सकते हैं। बिल्कुल राव शफात अली, और अक्सर हमने देखा है कि जब भी इन्वेस्टर समिट होता है, चाहे उत्तराखंड की बात हो या बात हो हिमाचल की, विपक्ष का ये आरोप रहता है कि इन्वेस्टर समिट में सरकार इन्वेस्टर्स को ले आती है, लेकिन धरातल पर इन्वेस्टर कब आएंगे जिससे सीधे तौर पर जमीनी स्तर पर फायदा हो, तो इसको लेकर भी हमने देखा है किस तरीके से चीजें रहती है। बहरहाल देखना होगा कि क्या वाकई ये मिल का पत्थर साबित हो पाता है इस लिहाज से या नहीं। अब इसके बाद हम अगली खबर का रुख करते हैं, क्योंकि देखिए जैसा कि हमने आपको पहले बताया, हरियाणा पंजाब समेत कई राज्यों से चंडीगढ़ में किसान जुटने जा रहे हैं, हजारों की संख्या में हरियाणा और पंजाब से किसान पहुंच रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ था, आपने देखा था पंजाब से किसान आते हरियाणा में आते हैं और उसके बाद किस तरीके से चीजें रहती हैं, पंजाब के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है, जानेंगे हरसिमरत से। अनिल, इस समय हरसिमरत भी हमारे साथ जुड़ी है। देखिए बिल्कुल, जो आज का दिन है चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, क्योंकि बड़ी संख्या में जो हरियाणा पंजाब कई राज्यों के किसान चंडीगढ़ कूच करेंगे, इसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन ने, पुलिस ने तमाम जो व्यवस्थाएं वो की हुई है। पंजाब से किस तरीके की किसान संगठनों की तैयारी है, हमारे सहयोगी हरसिमरत हमारे साथ जुड़ी है। हरसिमरत, पंजाब से कितने बड़े स्तर पर किसान है जो चंडीगढ़ के लिए निकले हैं, पंजाब पुलिस ने किस तरीके की तैयारियाँ किसानों को रोकने के लिए कर रखी है? कि आज हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो सांझे तौर पर चंडीगढ़ पहुंचना चाहते थे और अपनी जो मांगे हैं उनकी, खास तौर पर अभी पिछले दिनों की बात की जाए तो जिस तरह हमने देखा कि बाढ़ आ गई है, हरियाणा और पंजाब के लोगों ने इस बाढ़ का सामना किया है, और वहीं अगर पंजाब की बात की जाए तो दोबारा वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, 8 जिले बाढ़ की स्थिति में हैं और लगातार मांग की जा रही है सरकार से राहत पैकेज की, उसको लेकर के किसानों ने क्या क्या मुख्य मांगे की जा रही है? जी, मुख्य मांगों की अगर बात की जाए तो किसान जो इसमें बाढ़ में जितनी भी उनको प्रॉब्लम्स आई हैं या हम कहें कि जितना भी उनका नुकसान हुआ है, उसको लेकर के एक विशेष पैकेज जो है 50,000 करोड़ का टोटल वो मांग कर रहे हैं। पर अगर इंडिविजुअली इसको लिया जाए तो जो लोग बाढ़ में जिन्होंने जान गंवाई है उसके लिए 10 लाख रुपए, अगर किसी का पशु जो है उसने जान गंवाई है या उसका नुकसान हुआ है उसको लेकर के 1 लाख रुपए, और इसके अलावा बोरवेल बनाने या फिर जो उनके खेत अब रेतीले हो गए हैं, मिट्टी वहाँ पर आई है, रेत वहाँ पर आई है, तो उसको भी जो है समतल करने की मांग कर रहे हैं। इन्हीं मांगों को लेकर के आज ये प्रदर्शन होना था, पर आपको ये बताएं कि ये प्रदर्शन आज सीधे तौर पर नहीं हुआ, इससे पहले किसानों की तरफ से कॉल दी गई थी, सरकार के साथ मीटिंग भी हुई थी, पर उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके चलते मजबूरन किसान जो पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में बड़े स्तर पर किसान नेताओं को हिरासत में लिया है, कितने किसान नेता हिरासत में लिए गए हैं, लोंगोवाल में पंजाब पुलिस और किसानों के बीच एक झड़प भी हुई है, एक किसान की मौत हुई है वहां पर, वो भी बताया जा रहा है, तो किस तरीके से कितने किसान नेताओं को हिरासत में लिया ताकि जो किसानों की कॉल है कामयाब ना हो पाए? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सरकार ने मीटिंग्स करके इस मसले को सुलझाने की कोशिश करी थी, पर जब कोई हल नहीं निकला तो किसानों ने कूच की तैयारी कर दी और उन्होंने कहा कि हम 22 को पहुंचेंगे, पर उससे पहले ही किसानों की धरपकड़ शुरू हो गई। आपको बताएं कि बीते दिन कपूरथला के लोंगोवाल में जो है वहां पर बड़ी गिनती में किसान एकत्रित हुए, इसके अलावा वो लुधियाना रोड के लिए भी निकले थे और कई जगह पंजाब पर। बिल्कुल हरसिमरत, तो कुल मिलाकर आज की स्थिति यहाँ पर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि आज यहाँ पर सिर्फ बात पंजाब की नहीं होगी, हिमाचल के किसान, जैसा कि दावा किया जा रहा है, हरियाणा के किसान भी जुटेंगे, पूरे उत्तर भारत के किसान यहां पर जुटे थे। अब तमाम जो ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुटे थे, जितेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़े थे स्ट्रीट हेड, और इसी के साथ ही अनिल मूर भी हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर इस समय हमारे साथ जुड़े थे। खबर की तह तक हमने चर्चा की है, तमाम खबरों को लेकर जो आज बड़ी खबर रहने वाली है, और आज पूरा दिन हम इन पर बने भी रहेंगे, तो आप इसलिए बने रहे खबरें अभी तक के साथ, और मुझे दें इजाजत, नमस्कार।